सैमसंग ने पिछले दिनों भारतीय मार्केट में अपने दो स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, जिसका नाम था सैमसंग गैलेक्सी M10 और M20। और उसी के दौरान चलते ही सैमसंग M13 की भी खबर आई थी। सैमसंग M13 भी बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होगा। हालांकि ये नहीं बताया था तब कब लॉन्च होने वाला है सैमसंग का M13 भी, पर अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल के बाहर आई है M13 के बारे में, वो बोल रहे हैं जल्दी मार्च के महीने में सैमसंग M13 इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और साथ में चलते सैमसंग M13 की स्पेसिफिकेशन भी निकल के बाहर आ गई है, जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सैमसंग M13 के बारे में। आने वाले टाइमों में सैमसंग M13 कैसा होने वाला है और उसमें आपको कौन कौन से फीचर मिलने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो प्लीज़ नीचे रेड बटन पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलना। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना आपको M13 कैसा लगता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके फ़ोन के बारे में बात करेंगे, M13 के बारे में। इसका फर्स्ट लुक कैसा होने वाला है, जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है मार्च के महीने में। जी हाँ, इसका पिक भी निकल के बाहर आ गया है सैमसंग के M13 का आने वाले मार्च के महीने में ये कैसा होने वाला है। जैसे कि आप पिक में देख ही सकते हैं, सैमसंग M13 M20 की तरह होने वाला है। इसमें आपको इन्फिनिटी वी शेप का डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। और साथ में आप बैक पैनल की बात करो, इसमें भी आपको प्लास्टिक लुक बैक पैनल देखने को मिल सकता है, जो कि आपको सैमसंग M20 में भी देखने को मिला था। अब इसके डिस्प्ले की बात करें, बोला जा रहा है कि इसका डिस्प्ले 6.3 इंचेस का डिस्प्ले होने वाला है और इसमें एलमुरे डिस्प्ले देखने को नहीं मिल सकती। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है और इसमें प्रोसेसर आपको सैमसंग की तरफ से एक्सोनस प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो कि एक्सोनस 7904 प्रोसेसर है, जो कि सैमसंग M20 में भी देखने को मिला था। और इसमें स्टोरेज की बात करें, इसमें आपको 4GB रैम प्लस 64GB की इंटरनल स्टोरेज वाला यह फ़ोन देखने को मिल सकता है। और इसमें OS की बात करें, इसमें आपको एंड्रॉयड ओरियो का वर्जन देखने को मिल जाता है। अब इसके बैक कैमरे की बात करें, बैक कैमरे में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि यह 13 MP प्लस 5 MP प्लस 5 MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसके सेल्फी कैमरे की बात करें, इसमें आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और इसमें आपको 5000 mAh की भी बैटरी देखने को मिल जाती है। अब इसके प्राइसिंग और लॉन्च इवेंट की बात करते हैं। बोला जा रहा है कि इसका प्राइस कम से कम 20,000 के अंदर होने वाला है। अगर 20,000 के अंदर प्राइस होने वाला है, ये तो सबको पीछे छोड़ने वाला है ये फ़ोन सैमसंग की तरफ से। और बोला जा रहा है कि मार्च के दिनों में, 1 मार्च को से लेकर 10 मार्च तक ये उसके बीच में ये लॉन्च हो सकता है। बस इतना ही था सैमसंग M13 की स्पेसिफिकेशन के बारे में और उसका थोड़ा सा प्राइस अभी कंफर्म नहीं हुआ। बोला ही जा रहा है 20,000 के अंदर होने वाला है। आने वाले टाइमों में देखते हैं इसका प्राइस कितना होने वाला है। इसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जानकारी लेने के लिए सैमसंग गैलेक्सी M13 को प्लीज़ नीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।